एम सॉरी, मैं ना चाय पी रही थी इसलिए. तो आज मैं दोनों आंखें निकल के आई. आई विल डू बोथ आईज विद यू गाइज. और आप ज़रा ये असलियत भी देख लें कि मैंने को इन लेंसेज पहनने के बाद मेरी आंखों की क्या हालत हो गई है. बट मैंने को इन जैसे कलर्स किसी के पास नहीं है. कलर्स आर सो सो प्रिटी. ये मैंने पहने हुए हैं हेना नाइट्स, ठीक है. तो वालेकुम अस्सलाम. सो अब ये नहीं है कि आपको सूट नहीं करेंगे. मेरी आईज़ यार बहुत सेंसिटिव है. मे बी कोई प्रॉब्लम लेंजेज में ना हो, बट मेरी आईज़ में बिल्कुल सूट नहीं करते. आई बॉल्स के ऊपर मूव करते रहते हैं, बट कलर इज़ वेरी प्रिटी. सही है. मैंड्रिकन के हेना नाइट्स, एनशांटेड बुटानिया और हेजलवुड मैंने बोल दिया है. ये मेरे फेवरेट शेड्स हैं. ठीक है, थैंक यू. यार ये नेकलेस मेरी बेबी कज़न का है, समन का, इफ़ यू आर वॉचिंग मी समन. तो वो ईद पे आई थी और वो यहाँ छोड़ गई, सो दैट्स वाई उसका है, मेरा नहीं है. साईवाल से उन्होंने कहीं से लिया है, पता नहीं किधर से लिया है. फुल कवरेज फाउंडेशन मैं सजेस्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी स्किन टाइप बताएंगी फिर. द क्लिनिक लाहौर का मैंने वाइटामिन सी सीरम यूज़ किया हुआ है एंड दैट्स ओके. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर मतलब अपनी आईज़ को स्टार्ट करने, हम अपने फेस को जो है वो प्रेप कर लेंगे. अब प्रेप के लिए आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं रोज़ बबल गम प्राइमर यूज़ करती हूँ, तो इट डजेंट मीन कि आपके पास भी बबल गम प्राइमर हो. और काशिज़ का ये जो अल्ट्रा परफेक्ट प्राइमर है, इट्स जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर. मतलब कोई इस तरह का नहीं है. येस, माई आईज आर रेड लेंजेस पहनने के बाद. ठीक है, किस चीज़ का आंसर दूँ? तो ये एक मॉइस्चराइजर है, इसको आप ऐसा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. मैंने इसको फ़ौरन धो देना है, तो मतलब मेकअप करने के बाद. थैंक यू. ओ आई एम सॉरी, मैं तो जा रही थी. आज मेकअप धोना नहीं है, मैंने आज कहीं जाना है तो इसलिए. ओके, सो आई एम डूइंग मैट स्मोकी आईज. बिल्कुल मैट करूँगी स्मोकी आईज. आज ग्लिटर हम नहीं ऐड करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर अ मैट स्मोकी लुक. और मैट स्मोकी लुक तो है भी बड़ी लाइक बहुत हॉट होती है, बड़ी ग्लैमरस लगती है. ठीक है, फुल कवरेज बेस एंड कंसीलर फॉर नॉर्मल स्किन, हुदा बेस्ट है. ठीक है, और ड्राई स्किन के लिए लॉरियल इन्फेलिबल फ्रेश वेयर. अच्छा, अब दूसरी चीज़, आपने जब भी मेकअप स्टार्ट करना है आप अपनी स्किन को हल्का हल्का मसाज कर लें इस तरह. ठीक है, इस मोशन को बोलते हैं डिपोर्टमेंट मोशन. इसमें जब आप करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और स्किन में जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा. नहीं, ले नहीं, बबल गम इज माई फेवरेट. इसके बगैर मैं ना अपना मेकअप कर सकती हूँ ना किसी का कर सकती हूँ. मैंने ये बोला है कि आप लोग ये ना कहें कि रोज बबल गम ही यूज करती हैं. इवन दो आई एम नॉट ऑन एंटाइस पीआर लिस्ट, मैं खुद खरीदती हूँ इसको और खुद ही यूज करती हूँ. स्पॉट्स कम हो गए हैं ना यार. आई एम यूजिंग, मैं एक पूरी फुल स्किन केयर कर रही हूँ, मतलब इट्स नॉट जस्ट वन प्रोडक्ट. उसके बाद हम चले इंटाइस का बबल गम ही लगा लेते हैं. इट्स माई जॉन, हाय. हाय कोमल. ओके, आई एम लुकिंग लाइक एन ऑयली मेस राइट नाउ, बट आई लव इट. आपने रोज ड्रिंक, यार नोज पेन मैंने ली है अफजल ज्वेलर्स लिबर्टी में जो है. यार मैं वाइट, आप देख लें सारा स्किन टोन एक जैसा ही है, ये तो नेचुरल है. बेस्ट सनब्लॉक ओरियोर का है, दी बेस्ट सनब्लॉक. मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया मैं वो भी नहीं यूज़ करी, बिकॉज आई हेट जब जो सन ब्लॉक है वो वाइट कास्ट छोड़ता है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद. और ये सो मेरी एक फेलो मेकअप आर्टिस्ट है आर्या,
उनकी एक ट्रिक मैंने सीखी जो है स्मोकी आइज करने की, जो मुझे बहुत पसंद आई. तो नो आई एम नॉट के पॉप फैन. माई डॉटर इज, ये डायमंड की है. बेस्ट न्यूड मिस रोज की अच्छी है, रिमिल की अच्छी है, न्यूड अंडर आई पेंसिल. ओके, स्किन हमारी ऑलमोस्ट हो गई प्रेप. अब अगर इफ यू हैव ओपन पोर्स तो आप इस पे एल्फ का पट्टी प्राइमर लगा सकते हैं, पोरलेस. आप बेनिफिट का इसके ऊपर पोर फैशनल प्राइमर लगा सकते हैं. कोई भी जो आपका पोर्स वाला प्राइमर है आप उसके ऊपर वो लगाएंगे. ठीक है, चले. अब सब लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी, बातों में टाइम नहीं गुजारते. आई एम सॉरी. ठीक है, आईब्रोज कर लेते हैं. हेलो, यार ये नोज रिंग का पिन नजर आ रहा है, नोज गंदी नहीं हो रही? उसका पिन नजर आ रहा है. लेंजेस शेड मैंड्रिगन का हेनानाइट्स. चिकन पॉक्स के स्पॉट्स नहीं जाते, आपके डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया? यार मेरे तो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं. अभी भी ये थोड़े बहुत हैं, ये कैमरा इनको कैप्चर कर रहा है, रियल में इससे भी कम है. ठीक है, मैं अजीम जहांगीर, डॉक्टर अजीम जहांगीर से ले रही हूँ ट्रीटमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट. ठीक है, और एक ट्यूब है, मतलब एक ऑइंटमेंट है जो उन्होंने मुझे दी हुई है फॉर. मुझे एल्फ का कंसीलर अच्छा लगा, इट्स वेरी फुल कवरेज. हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन आई थिंक 7,000-8,000 के इन बिटवीन आती थी पहले, तो अब का पता नहीं. मतलब मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 मंथ्स. तब तो मैंने 8,000 की ली थी. सैप स्किन का सीरम मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया. क्रायलॉन की बेस मुझे नहीं पसंद. लॉरियल का कंसीलर, एल्फ का कंसीलर इज़ ड्राइंग. ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग है जी. मैं आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ बोनेंजा सतरंगी की, और इसके बारे में नहीं घबराना, इसको मैं अभी कंसील कर लूँगी. यार ट्यूब का नाम मुझे ऐसे नहीं आता, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी. ठीक है, ऐसे मुझे याद नहीं है, भूल जाती हूँ मैं उसका नाम. ओके जी, आप उनको कलर करेक्ट किया करें. टेल अबाउट गुड कलर करेक्टर. गुड कलर करेक्टर, अगर आपको लोकल में जाइए जाना है तो गो फॉर अजल. अगर आपको हाई एंड में जाना है तो मेकअप फॉर एवर के अच्छे हैं, और टू फेस्ड का कंसीलर कलर करेक्टर का बहुत अच्छा काम करता है. ओके, सो कल मैंने यूज़ की थी बेस इंग्लॉट की, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी, जो कि बहुत फुल कवरेज नहीं थी और बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही थी. सो दिस इज़ माई फेवरेट आई बेस पीलोएस की, और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है लशियस की आई बेस का. नंबर वन पीलोइस है. लेंस शेड मैंड्रिकन हेनानाइट्स. यार मैंड्रिकन के लेंसेज हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल, बट इनके शेड्स बहुत प्यारे हैं. मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ले लेती हूँ. ये आई बेस आपको कॉस्मो वैनिटी से मिल जाएगी. ठीक है,
अब इस आई बेस को हम ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। डॉक्टर अजीम जहांगीर डिफेंस में फेज फोर में हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर पहले जफर अली रोड पे बैठते थे, अभी भी जफर अली रोड पे भी बैठते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक एक और बनाया है तो यहाँ भी बैठते हैं। आज हमें लाइव मैक्सिमम 45 मिनट्स में जो है वो एंड करना होगा, क्योंकि मुझे इतना ही टाइम मिला है आज। मैं हमेशा लेट करवा देती हूँ जहाँ भी जाना हो। वैसे अगर मैं खुद नॉर्मल रूटीन में मेकअप करी हूँ ना तो मैं झटपट में कर लेती हूँ। मेरे फेस पे चिकन पॉक्स हुए थे, ठीक है यार, फिर साथ साथ बातें करनी होती हैं ना, इसलिए स्लो, मतलब आंसर्स भी तो सबको करना होता है। ओके, अब हम करेंगे काम क्विक। एक्वा का लाइनर ले रही हूँ, लाइनर ब्रश लूँगी और इसके अंदर लेंसेज का सॉल्यूशन डाल रही हूँ। वैसे तो पानी भी सही है, एक्वा बेस्ड है, मतलब पानी ही डलता है, बट अभी मेरे पास पानी यहाँ पे है नहीं तो मैं यही ले रही हूँ। आई बेस में शेड है नंबर 02। मैं पहले एक करके आती होती हूँ बट आज मुझे लगा कि अच्छा ये ट्रिक है आर्या उसकी सिद्रा की, ठीक है, आर्याज मेकअप वाले की। तो हम इसको लेंगे पैनकेक को, आप जेल लाइनर नहीं यूज़ करेंगे स्मोकी के लिए, पैन लाइनर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ आप ऐसे अप्लाई करेंगी, ठीक है, ऊपर ऊपर स्ट्रोक्स में। राउंड नहीं बनाना, राउंड बनाएंगे तो ब्लेंडिंग आपके लिए मुश्किल होगी। ये देखें कितनी प्यारी ब्लेंडिंग हो गई। कॉइल की प्राइस पूछी थी आपको, मैसेज करते हैं कभी जवाब नहीं मुझे देती। यार प्राइस मैं कैसे बता सकती हूँ, प्राइस आप इसरा से डायरेक्ट उसको मैसेज करके पूछें। जी जी कर सकते हैं आप, बट ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है। आई थिंक स्मोकी आईज आर द ईजीएस्ट। जी जी मैं कर दूंगी। आप जो फाउंडेशन का शेड है वो सही से चूज नहीं करती, इसलिए कुछ देर बाद वो ग्रे हो जाता है। सो फाउंडेशन का शेड चूज करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आज हम कोई शिमर ऐड नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी लुक को मैट रखेंगे, हम ज़्यादा हाइलाइटर भी आज नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं यार बस किसी के घर दावत पे जा रही हूँ। फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, वैसे आज कोई दिन नहीं है गेट टुगेदर का, बट हाई लाइटर कौन सा अच्छा है, और आई शेड ग्लिटर मैं तीन कंपनीज हमेशा आपको बताती हूँ, चार कंपनीज बल्कि, उसमें आपकी चॉइस है। यार लेंसेज अनकम्फर्टेबल, यार मुझे नहीं सूट करते, मुझे बेला के अलावा कोई लेंसेज सूट ही नहीं करते। ओके, सो अब ये वाला ब्रश लूँगी इस तरह का, और ये
इसमें है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ग्लिटर ग्लिटर सा है। एक मिनट यार, दिस इज द मोस्ट यूज्ड पैलेट। ओके जी, कर लेंगे। ठीक है, मोर्फी जैकलिन हिल ले रही हूँ यार। कैन एनीवन प्लीज राइट मेनरिकन लेंसेज, ताकि मैं यहाँ पे मेनरिकन लेंसेज हिना नाइट्स, सो मैं यहाँ पे उसको पिन कर दूँ। ये कमेंट में पिन कर देती हूँ। ओके जी, और अब हम लेंगे एक फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश और हम, यार ये आईज बहुत ही प्यारी लगती हैं, लाइक स्मोकी आईज आर ऑलवेज ऑलवेज इन। स्मोकी आईज तो कभी फैशन से आउट ही नहीं होती यार। क्या हो गया है, कलर फेयर है तो फिर आइवरी आप कोई और शेड लेना, वो शेड आपको सूट नहीं कर रहा। ओके, सो अब ब्राउन में जाएंगे हम, और ब्राउन के साथ हम इसको, जी जी स्मॉल आईज पे तो बल्कि स्मोकी ज्यादा अच्छी लगती हैं, मेरी भी स्मॉल ही हैं वैसे आईज। लाइट ब्राउन शेड, यस दिस इज लाइट ब्राउन शेड, ये देखिए लाइट ब्राउन। क्या हो गया, अब इसको हम देखें, एक ब्लेंडेड सा ही हुआ गया। बेला के लेंसेज विदाउट एनी डाउट बेस्ट है। ठीक है, ब्लेंड हो गया ना, कितना प्यारा ब्लेंड हुआ। लॉरियल इनफैलिबल फ्रेश वेयर एनेस्टाजिया, दीज ऑल आर गुड फॉर ड्राई स्किन। आप ड्राई स्किन के लिए कोई भी फाउंडेशन हो उसके अंदर आप ऑयल बेस्ड सीरम अपना मिक्स कर लें। यूज मिनरल बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है, आपकी स्किन सेंसिटिव है इसका मतलब है, तो आप मिनरल बेस्ड फाउंडेशन यूज करें। ओके, सो अब हल्का सा हाईलाइट करूँगी मैं ब्राउ बोन को, उसके बाद मैं पेंसिल लगाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसी पैलेट में से ये कलर लेके ब्राउ बोन को हल्का सा हाईलाइटर से डस्ट कर दूंगी, और एक छोटा ब्रश लेके मैं इनर कॉर्नर को भी कर दूंगी। अच्छा, आई एम सॉरी, आज मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। आज मैं स्लो एक्चुअली नहीं कर रही, आज मैं एक आँख पे मेकअप करके नहीं आई, आज मैं उसी तरह मुँह उठा के आ गई। मैंने कहा दोनों आप लोगों के साथ करूँगी। लॉरियल ट्रू बेज की येलो अंडरटोन है, यस। ओके, सो दो चीजें आपको मैं बता दूं, एक तो स्मोकी आई राउंड होती है, उसके कॉर्नर नहीं होते, प्लीज टेप्स लगा के नहीं किया करें स्मोकी आईज। कोई बेस अपनी वीडियो में दिखाएं,
अच्छा ठीक है, आपने कभी भी स्मोकी आईज को राउंड नहीं करना और स्मोकी आईज के साथ कभी आईलाइनर नहीं लगता, ठीक है? तो ये दो टिप्स आपने याद रखनी है। स्मोकी आईज ऐसे कभी भी नहीं होती, स्मोकी आईज राउंड होती हैं। नो नो, ट्रू बेज, बेज इज बेसिकली येलो अंडरटोन, ठीक है? जो मेरे पास है ना ट्रू बेज, इट्स इन येलो अंडरटोन। एक सेकेंड, मैं लाइट को एडजस्ट कर लूँ, बहुत येलो येलो आ रही है। अब ठीक है, नहीं अभी भी येलो है। गुजारा हो ही रहा है, कैसे पूछूं आपको? आपने मुझे इनबॉक्स किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो आपको आज जवाब मिल जाएगा। स्किन केयर रूटीन तो मैं वीडियो में ही बताऊंगी, एक प्रॉपर मैं सारी चीज़ें अपनी शेयर करूंगी जो जो लगाती हूँ वो, कोई भी मतलब पीआर वाली चीज़ें तो मैंने ही आजकल फेस पे यूज़ करी, सीधी जो बात है। ट्रू टॉक, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग एनी पीआर स्टफ नाउ डेज बिकॉज मुझे नहीं करना। अभी अभी जाके मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि स्किन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने तो पूरी ज़िंदगी इसकी कदर ही नहीं की। दिस सैफायर एंड दिस इज़ ओके। लॉरियल की फाउंडेशन दिखा दें प्लीज़, मैं स्क्रीनशॉट लूँ जी, मैं अभी दिखा दें, अभी अभी ये लें। ठीक हो गया? चलेंगी, प्लीज मेरा भी आंसर करते हैं। अच्छा, ये इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आप मेरा SMS नहीं देखती? कहाँ पे नहीं देखती मैं आपका SMS जनाब, सबके देखती हूँ यार, प्लीज थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, बाकी हम वो बाद में करते हैं। ये कौन सा? मैंने मेबलिन का लगाया है, मेबलिन ड्रामा, यस यही है ना नाम इसका, मैं आपको बताती हूँ, इट्स मेबलिन लास्टिंग ड्रामा पेंसिल। जी आ गया है मेरे पास डीप शेड मरियम का, आज ही पहुँचा है, मर मर के पहुँचा है। उसका दिल नहीं कर रहा था पहुँचने पे, लेकिन वो पहुँच गया। ओके, सो लैशेस मिल गई हैं मुझे। पैशनेट आएगा आपको, क्योंकि मैंने जो काशीज का लिया है ना वो मैंने डार्क ले लिया है, डार्क। नहीं यार, आज आई एम यूजिंग आई विल बी यूजिंग न्यूड शीट, कल डार्क लगाया था ना मैंने, आज आई विल बी यूजिंग। रुबीना बेटा बात सुनो, मेरी लैश ग्लू कहीं रखी गई है, आई डोंट नो किधर रखी गई है, मेरे से ना नाराज हूँ। वो लैशेस वाली ग्लू कहाँ रखी है? इस तरह की जो वाइट वाली में थी कहाँ रखी है? वो इधर ही रखी है।
अच्छा आपने बिल्कुल ब्लैक को यहाँ यहाँ तक नहीं ले जाना, वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ थैंक यू। ठीक है अब हम लगा लेंगे लैशेस। अच्छा आई ऑलवेज लव विस्पीज एंड शॉर्ट लैशेज, मुझे कभी भी बड़ी बड़ी लैशेज नहीं पसंद, पर पता नहीं यहाँ पे छोटी आती ही नहीं है, यहाँ पे आती ही बड़ी बड़ी लैशेज हैं। ओपन पोर्स के लिए प्राइमर पूछ रही हैं आप या आप क्या पूछ रही हैं? अगर रेमेडी पूछ रही हैं तो यूज़ नायसिनामाइड द ऑर्डिनरी का, नायसिनामाइड 10% एंड जिंक 1% सीरम। अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं, छुटकारा तो खैर हम सबके पोर्स होते हैं, छुटकारा तो नहीं मिलेगा बट आपके कम हो जाएंगे। ठीक है यार रॉयल इमेज शेड ठीक है बट थोड़ा सा आपको जो है ना वो मतलब कह लें कि आपको आपकी टोन का रखता है, तो जैसे मेरी स्किन टोन है ना तो वो उस टोन का रखता है, थोड़ा मतलब फेयर नहीं करता। निविया ल्यूमिनस नहीं यूज़ किया। ओके मिस रोज बेज नहीं ठीक किया शेड आपको, मिस रोज बेज, बेज टू जो है ना वो मेरे पे थोड़ा सा डार्क है, बेज वन भी डार्क है, आई थिंक आइवरीज में मेरा शेड जाएगा। थैंक यू। बता देना हाइलाइटर, हाइलाइटर अच्छा किस कंपनी का है? हाइलाइटर मेकअप रेवोल्यूशन के काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है मेकअप रेवोल्यूशन के, और काशीज़ का हाइलाइटर भी अच्छा है। सीक्रेट शेड मुझे सीक्रेट का आइडिया नहीं है यार, आई एम नॉट मतलब रेगुलर यूज़र ऑफ काशी, मैंने पहली दफ़ा ही उसकी चीज़ें ली थी तो पहली दफ़ा में तो फिर इतना ही होता है। मेरे नाक पे काला लगा हुआ है, मैं समझ गई कैमरे में कुछ लगा हुआ है। लैशेज लगाते हुए बिस्मिल्लाह वर्ड लेनी चाहिए। रानिया आप सफेक्स हाइलाइटर भी अमेजिंग है, पिगमेंटेड है जी। जी जी वो उसको बोलते भी रेड ऑयल है, उसको रेड ऑयल ही कहते हैं। बिया के उसके फेशियल का रिव्यू करते हैं प्लीज़, बहुत 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 अच्छा है, मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स के जो फेशियल हैं वो कुछ के ही मुझे पसंद हैं, जैसे कि बिया केयर्स है और योर है और स्किन डीप है। स्किन डीप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिया केयर्स और जो और योर हैं वो थोड़े रिजनेबल हैं। रानिया बिहेव योर सेल्फ, ग्लू मैंने यूज किया नादिया हुसैन की, मैंने निविया ल्यूमिनस नहीं यूज किया यार। आई लैशेज ये लोकल वाली हैं, ठीक है ये ब्रांडेड वाली नहीं है, दीज आर लोकल लैशेज फ्रॉम अलफते, मैं वहां जब भी जाती हूँ मैं लैशेज उठा लेती होती हूँ जी। आइवरी पिंक हो जाता है, आइवरी पिंक अंडरटोन के साथ होता है। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि आई एम न्यूट्रल अंडरटोन तो मेरे दोनों चल जाते हैं, पिंक भी चल जाता है और गोल्डन भी चल जाता है। ओके लॉरियल की फाउंडेशन का क्या बताऊँ, लॉरियल की फाउंडेशन में स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया, शेड भी बता दी, ये लें
शेड 130 ट्रू बेज, लैशेस लग गई, पेंसिल्स लग गई, ब्रश गिर गया एंड अब हम फेस मेकअप कर लेते हैं, मतलब कि एज 50 तो उनको रिंकल्स एंड फ्रैकल्स हैं, क्या उनको आप सीरम यूज़ कराएं, हाइलुरोनिक एसिड उनको ज़रूर ज़रूर यूज़ कराएं। यार मुझे एक्ने होती नहीं है, चॉकलेट्स लाए थे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं आज एनास्ताजिया की फाउंडेशन यूज़ करूं, जबकि मैंने फाउंडेशन निकाली हुई थी आज मसरत मिसबा की, बट मैं अब एनास्ताजिया ही यूज़ करती हूं। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं अपने फेस पे हाइलाइटर लगा लूंगी, ये वाला अंडर आई सीरम बता दें, लॉरियल का ले लें, हाइलुरोनिक वाला, अच्छा अब अगर आपको अंडर आईज ज़्यादा सूट नहीं करती, मैं हल्का सा इनको स्मोक आउट करूँगी, बट मैं इनको ज़्यादा नहीं करूँगी। मसरत मिसबा में कौन सा शेड है आपका? मेरा शेड न्यूड है मसरत मिसबा में। से हाय हाय, यस यू कैन यूज़। मैं अभी एंटी एजिंग यूज़ नहीं करती यार, आई एम ओनली 26, तो अब भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फेस में क्या हुआ है, चिकन पॉक्स हुए थे, मैंने सैफायर का हाइलाइटर यूज़ किया। अच्छा अब बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। मीडियम बेज ले रही हूँ मैं एल्फ का, टू कलर करेक्ट माई स्पॉट्स, बिकॉज एनास्ताजिया बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है। सो अब हम कोई कोई काम करते हैं। थैंक यू। आपने करेक्टर को डैप करना है, आपने स्वाइप नहीं करना। मैक की मिनरलाइज फाउंडेशन अगर अभी अवेलेबल है तो दैट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन, मिनरलाइज फाउंडेशन मैक की। आई थिंक वो डिसकंटिन्यू हो गई है, मैंने एक दफ़ा ली थी एंड दैट्स सो गुड फॉर ड्राई स्किन। क्या बता दूँ, क्या बता दूँ, पूछें क्या बताऊँ। कंसीलर का शेड है मीडियम, वन मिनट, इट्स मीडियम बेज, बेस से डार्क शेड, ठीक है। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। अब मैंने एनास्ताजिया की निकाल ली है शेड नंबर 240N एंड शेड नंबर 110C, इन दोनों को मिक्स करके तो मैं इनको लगा लूंगी। जी जी बिल्कुल लगा सकते हैं आप, मेकअप में कोई रूल नहीं है, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं।
मेरे से नेक पे इतनी मेहनत नहीं होती। अभी मैं अनस्ताजिया की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ 240N एंड 110C, राइट। वही जो कंसीलर है मेरा मीडियम बेज में एल्फ का, उसी को मैं अपनी अंडर आईज लगाऊंगी टू कवर माय जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं। यार लगा भी सकते हैं अगर अंडर आईज बहुत डार्क हैं, बहुत ड्राई हैं तो फिर ना लगाएं बेस, अगर अंडर आईज नॉर्मल हैं तो फिर आप जो मर्जी लगाएं। मसूरत मिसबा का कौन सा शेड यूज करती हूँ आप? मैं उसका न्यूड शेड यूज करती हूँ, दिखा देती हूँ वो भी आपको मैं। मैंने मैंड्रीगन के लेंसेज पहनने के लिए डॉक्टर को भी चेक कराया कि मेरी आईज़ में लेंसेज क्यों नहीं सूट करते, क्योंकि मुझे मैंड्रीगन के शेड्स बहुत पसंद हैं, सब शेड्स एक दूसरे से बढ़ के प्यारे हैं, बहुत प्यारे शेड्स हैं। मैं मेबेलिन कंसीलर में शेड फेयर न्यूट्रल नंबर 15 यूज़ करती हूँ, और फिट मी में नहीं, सॉरी, जो एज रिवाइंड है उसमें मेरा शेड है फेयर न्यूट्रल, और जो है मेबेलिन फिट मी वो 15 है, फेयर क्लियर, ठीक है। यार असल में तो ये मेकअप बहुत बॉम्ब लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। अब पता नहीं आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, आपके आई मेकअप अच्छा नहीं हुआ? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यार मेरे डॉक्टर ने रीज़न मुझे, उसने एक्रोजेल दी है कि आप ये लगा के देखें, मे बी जो है आपको वो लगाने से तो वो आराम आ जाए, लेकिन नहीं यार, मैं जब लगाती हूँ ना, क्या कहते हैं, बेला के लेंसेज, तो मेरी आईज़ को कुछ भी नहीं होता, बल्कि बेला के लेंसेज मैंने 12-12 घंटे भी पहन के ट्राई किया हमें, और बेला के अलावा कोई भी पहनती हूँ, सिर्फ मैंड्रीगन की बात नहीं है, मैं बेला के अलावा कोई लेंसेज भी जब पहनती हूँ ना, लाइक फ्रेश कॉन वगैरह के भी, मैं लेंसेज के PRs नहीं लेती, बिकॉज बेकार है उनके लिए, जो चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं करनी वो मैं किसी से क्यों लूँ, कॉमन सेंस की बात है ना। एक थैंक यू, यार देखें हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अब मे बी जो ये कह रही हैं कि नहीं अच्छा हुआ, ब्लैक स्मोकी उनका टेस्ट ना हो, सो नेवर माइंड, अब देखें, बहुत अच्छा हुआ है। लैशेस मैंने रैंडम लगाई हैं, अल्फता से ली थी मैंने, इन पे कोई नाम नहीं, चाइनीज लैशेज हैं। अच्छा अभी मेरा दिल कर रहा था इस पे ना ग्लिटर ऐड कर लूं, ओके। सो कंसीलर मैंने सारा अप्लाई कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ। रिंकल्स के लिए हाइलोरोनिक एसिड लगाएं और रेटिनॉल। व्हाट हैपेंड? आपने होमवर्क कर लिया अपना? जाओ करो फिर, सोना नहीं है आपने? थक गए फिर सो जाओ जाके। अभी थक गए हूँ, बाद में कर लेती हूँ, अभी खाना खाने लगी हूँ। चलो ठीक है, जाओ खाना कर लूँगी। रानी कैन यू प्लीज चेक इट इन योर कैमरा कि ये बहुत येलो नहीं आ रहा? फेशियल किट बिया केयर्स की ले सकती हैं आप
उसके अलावा ले सकती हैं स्किन डीप की ओरियोर की, ग्लैम ग्लो कॉस्मेटिक्स की भी अच्छी है। यस एनास्टासिया Rania, don't touch my makeup, please. बाहर रख दो। जा रही हूँ मामा। ओके सो आज मैं एप्पल ऑफ द चीक्स ब्लश ऑन नहीं लगाऊंगी। बेस्ट ब्रशेस बेली के हैं, मॉर्फी के हैं, नाजुक के हैं, रियल टेक्निक्स के हैं। बेस्ट ब्रशेस काफी सारे ब्रांड्स के हैं। बेस्ट ब्रश बता दिया है मैंने अभी। इसके बाद आज हम लगा लेते हैं हुदा मोजी का लिक्विड ब्लश ऑन, जो आपको ब्यूटी ग्लेंस से मिल जाएगा। ओप्स, ये तो थोड़ा सा ही बहुत है, मैंने इतना निकाल लिया, विच इज टू मच। आप इनके लिंक दे दें किसके। मेरा फेवरेट लिप कलर हुदा ब्यूटी का है बॉम्बशेल, ठीक है, दैट इज माय फेवरेट टेस्ट। तो फेवरेट होता है ना, एक फेवरेट से भी ऊपर होता है वो है। देखा, इट्स वेरी पिगमेंटेड, लाइक मोर देन इंग्लॉट के ब्लशेस। अब ये पूछेंगे मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स क्यों नहीं यूज करती। मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स इसलिए नहीं यूज करती बिकॉज वो बहुत टाइम लेते हैं एंड ब्रशेस आर माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, ये काफ़ी स्टे करता है अगर आप इसको पाउडर से सेट कर लें तो। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ एनी थिंग विच इज़ क्रीम बेस्ड विच इज़ जेल बेस्ड यू हैव टू सेट इट विद पाउडर। और पाउडर के बगैर पता मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं हम तो पाउडर यूज़ ही नहीं करते, पाउडर के बगैर मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ब्रश को घिस रही हो? नहीं, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ब्रश घिसाना नहीं है। वो आपको तेज़ी में नज़र आ रहा है बट आई एम टैपिंग। थैंक यू। अभी मैं नाजुक के फेस ब्रशेस सेट में से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, काशिस का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। अभी इंग्लॉट का मैं यूज़ करूँगी स्कल्पटिंग पाउडर, इट्स शेड नंबर 509। ये नाजुक के ब्रशेज हैं, पर्पल वाले नाजुक कॉस्मेटिक्स के। गाइस, नाजुक कॉस्मेटिक्स पे ना सेल लगी हुई है फाउंडेशन पे 20%, और आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा एंड दैट फाउंडेशन इज अमेजिंग। ओके सो डन। मुझे गाइस कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने क्योंकि मैं मैनरिगन के लेंसेज पहनती हूँ तो मैं अंधी हो जाती हूँ, बट इसलिए आई एम सॉरी अगर आपके कमेंट्स में सो रहे हैं। तो कोड इज FC10, ठीक है। FC10
डार्क टोन के लिए कौन सा शेड वार्म जाएगा, वार्म अगर आपकी ग्रीन अंडरटोन है तो वार्म जाएगा, अदरवाइज मीडियम भी जाएगा आपको, ठीक है। सेंसिटिव ड्राई स्किन के लिए सीरम बता दें, हाइलुरोनिक एसिड, लॉरियल का हाइलुरोन एक्सपर्ट ले लें। FC10 मेरा कोड है FC10। मैं लगाती हूँ हाइलाइटर, आज मैंने बहुत ज़्यादा चमकता दमकता हाइलाइटर नहीं लगाना, बिकॉज इट वॉज अ मैट टेस्ट लुक आई हैव एवर डिड। मुझे मैट नहीं पसंद, जो बात है, मुझे चमकीला पसंद है, मैं चमकीली हूँ, सो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। MK कॉस्मेटिक्स के साथ मेरा कोड फरवा ही है, आई थिंक फरवा 10। मैं आपको कन्फर्म कर दूँगी, वैसे ही मेरे तो चीक्स चमक रहे हैं एनास्ताजिया की फाउंडेशन से। मरियम का ग्लॉस अच्छा है, मेरी बेटी सुबह से 4 दफा लगा चुकी है। ओके, सो अब हमारी लुक हो गई कंप्लीट। चले मैं उनके साथ, कहाँ इनवैलिड आ रहे हैं, नाजुक पे तो नहीं इनवैलिड हो सकता, और MK का मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। ओह माय गॉड, चले जी लुक हो गई हमारी कंप्लीट। यार आज नहीं खोलने का मूड हो रहा, आज इनको बंद ही रहने दे, कभी कभी इनको बंधा हुआ भी देखा करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। लिप कलर नंबर मैं बता देती हूँ, लिप कलर मैंने जोश का लगाया है, इट्स इन मेपल वॉलनट जोश का। मैंने जो कंसीलर लॉरियल का शेड यूज़ किया है वो किया है मैंने कश्मीर, और जो मैंने एल्फ का यूज़ किया है वो किया है मैंने मीडियम बेज। मैंने लिपस्टिक लगाई है मेपल वॉलनट जूश की, मस्कारा लगाया है जी, लेनी चाहिए सेल पे। प्लीज यार, अब ग्लिटर निकालने मुश्किल है। अगर आग ब्राइडल सर्विसेज चाहिए हो तो प्लीज डिटेल्स बता दें, अगर आप लेट लाइफ पे आपको फाइन। ओके जी, सो अभी कितना टाइम हो गया, आई तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे बताएगा मुझे कितनी देर होगी ये लाइव आए हुए। आईज पे आईज कौन सा यूज समझ नहीं आई। आप कई बार आपसे एक चीज़ पूछी है, सिरम बता दें प्लीज़ ड्राई स्किन के लिए। मैं भी 100 दफ़ा बता चुकी हूँ, हाइलुरोनिक एसिड इज़ द बेस्ट सीरम।
फॉर ड्राई स्किन ठीक है, लॉरियल का हाइलेरॉन एक्सपर्ट ले लें, इट्स वेरी गुड सीरम, मैं भी आजकल वो यूज़ कर रही हूँ। आईज पे ब्लैक कौन सा यूज़ किया, मैंने सबसे पहले एक्वा क्राइलॉन एक्वा के साथ बेस बनाई ब्लैक की, उसके बाद मैंने मोर्फी का जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट यूज़ किया, उसमें से मैंने ये वाला ब्लैक कलर लिया, ये वाला ब्राउन कलर यूज़ किया और इसके साथ मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट किया, दैट्स इट, आई हैव यूज ओनली 3 कलर्स। और जो पेंसिल है वो मैंने लगाई है मेबेलिन की मास्टर ड्रामा पेंसिल, थैंक यू सो मच। गोल्डन ड्रेस के साथ मेकअप बता दे, गोल्डन ड्रेस के साथ तो स्मोकी भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अब आप ये ग्लो देख रहे हैं, ये ग्लो जो है ये हाइलाइटर की नहीं है, ये नीचे से स्किन की आ रही है, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड होगी तो ये ग्लो आएगी ही आएगी आपके मेकअप में से। मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन हम कल यूज़ कर लेंगे या परसों, जब भी अब मैं नेक्स्ट लाइव आती हूँ तो वी विल यूज़ दैट कोड, आप उनकी वेबसाइट पे जाके यूज़ करते हैं ठीक है। ब्लैक ग्लिटर यूज़ करें प्लीज, अभी इस टाइम मैं नहीं कर सकती क्योंकि अगर अब मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी तो वो लैशेज़ के ऊपर गिरेगा, लैशेज़ ख़राब हो जाएंगी, सो ग्लिटर हमेशा लैशेज से पहले यूज़ करते हैं हम, ग्लिटर वाली तो रोज़ लुक्स करते हैं, आज मैट से ही वी विल डू ग्लिटर, ग्लिटर सारी ज़िंदगी ग्लिटर करना है हमने। मैं स्किन ग्लो के लिए बता रही हूँ, कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड हाइड्रेटेड, हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, सेटाफिल मेटाफिल सेरावी फिजियोजेल ये वाले मॉइस्चराइजर लगाएं, ये बेस्ट हैं आपके लिए। कल ग्रीन पक्का प्रॉमिस, आई विल कम लाइव टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस, आई विल डू ग्रीन मेकअप ऑफ कोर्स, ना सारी जिंदगी ग्लिटर लगाना है। लाइफ सेव होगा। अच्छा यार पर्सनल मेकअप क्लासेस का सीन कुछ यूं है, पहले मैं देती थी बट उसमें बहुत मगजमारी होती है, सो अब मैं वन ऑन वन वन नहीं देती, आई डू ग्रुप क्लासेस, लेकिन वो भी अभी दोबारा पता नहीं मेरी कब होगी, अभी फिलहाल मैंने प्लान किया था कि मैं फेब में करूंगी, बट यार अगर तो आपने लेना है उसमें क्या कहते हैं हाई एंड में, तो फेंटी का ग्लॉस बॉम बहुत अच्छा है, और अगर लोकल में लेना है तो आप मरियम का ये वाला ले सकते हैं, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा मुझे ग्लॉस सबसे जहर पता क्यों लगता है, जब इसके ऊपर बाल चिपकते हैं, ओ माय गॉड आई हेट दैट। सेटाफिल कहाँ से ओरिजिनल मिलेगा, आपको किसी फार्मेसी से मिल जाएगा ओरिजिनल, मैंने जो लिया ना मैंने अलपता की फार्मेसी से लिया है ठीक है। अब मैं ग्लॉस को डायरेक्ट लिप कलर के ऊपर नहीं लगा रही, ग्लॉस को डायरेक्ट मैं लिप ग्लॉस पे नहीं लगा रही, नहीं तो वो जो कलर है ना वो मेरे लिप ग्लॉस के वैंड पे आ जाएगा। ओके सो नाउ ग्लॉसी लिप्स हो गए, दो मिनट में पोज मार लूं फिर कवर फोटो लगानी होती है। ओके सो टीनेज वाले यूज करें बीबी क्रीम, आई डोंट रिकमेंड फाउंडेशन फॉर टीनेज। मैं अपनी बेटी को अगर इजाजत देती हूँ कोई चीज लगाने की, इवन तो शी इज नॉट टीन शी इज 10, दैट इज हुदा की ग्लोइश, उसको सिर्फ वो लगाने की परमिशन है, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी शादियों पे ठीक है। सो मेकअप तो हमारा हुआ है बहुत नाइस, आई मेकअप विद मरून स्मोकी आईज बहुत प्यारी लगती हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू कैरेस्टाज लॉरियल की जो प्रोफेशनल रेंज आती है, आप प्लीज सनसिल्क और लॉरियल के आम वाले ही शैम्पूज मत यूज किया करें, आप जो प्रोफेशनल वाले लेंगे जहां आपका एक शैम्पू महीना निकालता है वो आपका 2 महीने निकालेगा, वो सिर्फ इतना सा यूज होता है, इतनी लादर बन जाती है और बाल साफ हो जाते हैं। थैंक यू मरियम परवेज का, मेरी एक ही बेटी है। पिगमेंटेशन छुपाने के लिए आपकी ये वाला लेना, आप मैंने आपको बताया तो है एल्फ का 16 आवर्स कैमो कंसीलर। सो गाइज नाउ थैंक यू सो मच।
now I am going. Thank you so much for joining in, and we'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.